दोस्तों आज आपका फिर से स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। आज मैं आपको उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा आयोग के द्वारा विज्ञापन संख्या 47 के अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश का पेपर सॉल्व कराऊंगा, जो बोर्ड द्वारा दी गई रिवाइज्ड आंसर की के अंतर्गत सॉल्व कराया जाएगा। दोस्तों मेरे पास ये विज्ञापन संख्या 47 के अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश का जो पेपर हुआ था उसका सीरीज ए का ये प्रश्न पत्र है, जिसमें पार्ट वन का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में किस में फीफा विश्व कप 2018 आयोजित किया गया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए रूस। क्वेश्चन नंबर टू, मई 2018 में कर्नाटक में कितनी विधानसभा सीट के चुनाव हुआ। इसका सही आंसर है बी 223। क्वेश्चन नंबर थ्री, संयुक्त राष्ट्र के जनसंख्या संभाग के आकलन के अनुसार मई 2018 में भारत की जनसंख्या कितनी थी। इसका सही आंसर बी है 135.4 करोड़। प्रश्न नंबर चार, निम्नलिखित में किसे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2014 घोषित किया गया है। इसका सही उत्तर है डी द साइलेंस ब्रेकर्स। क्वेश्चन नंबर फाइव, नीति आयोग द्वारा 28 मार्च 2018 को जारी अभिलाषी जनपदों की सूची में कौन जनपद सर्वाधिक पिछड़ा हुआ है। इसका आंसर है ए मेवात हरियाणा। क्वेश्चन नंबर सिक्स, निम्नलिखित में किसे भारतीय डीएनए फिंगरप्रिंटर्स तकनीक का जनक कहा जाता है। आंसर बी लालजी सिंह के लिए। प्रश्न नंबर सात, निम्नलिखित में कौन शिक्षण का स्तर नहीं है। इसका सही आंसर है बी विभेदीकरण स्तर। प्रश्न नंबर आठ, निम्नलिखित में किसे मानव विकास सूचकांक की संकल्पना को प्रारंभ करने का श्रेय प्राप्त है। आंसर डी महबूब उल हक। प्रश्न नौ, भारतीय शिक्षा आयोग 1964-66 को सामान्यतया जाना जाता है। आंसर बी कोठारी आयोग। क्वेश्चन नंबर टेन, निम्नलिखित विद्वानों में किसने भारतीय शोध वैज्ञानिक शोध में चिंतन फलक पैराडाइम शब्द का प्रयोग किया। आंसर सी टी एस कून ने। प्रश्न नंबर 11, शोध के दौरान ऐसी परिकल्पना का चयन बेहतर है जो, आंसर ए अंतरिम हो मींस टेंटेटिव हो। प्रश्न नंबर 13, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई। आंसर बी 1956। क्वेश्चन नंबर 13, किस देश ने हाल ही में मानव रोबोट सोफिया को नागरिकता प्रदान की है। आंसर सी सऊदी अरब। क्वेश्चन नंबर 14, पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी की विशेषण पैनल का अगुवा कौन है। आंसर सी माधव गाडगिल। क्वेश्चन नंबर 15, ब्रिटानी शासकों द्वारा किस रियासत को विनम्र सिद्धांत के तहत लिया गया था। इसका आंसर जो बोर्ड ने अभी जो रिवाइज्ड आंसर की जारी की है उसके अनुसार बोर्ड ने इसका आंसर ए और सी, ये दोनों ही ऑप्शन ठीक माने हैं, ए झांसी और सी उदयपुर, ये दोनों ऑप्शन के लिए ठीक माना गया है। क्वेश्चन नंबर 16, सूर्य से सातवां ग्रह कौन सा है। आंसर ए यूरेनस। क्वेश्चन नंबर 17, संपत्ति का अधिकार है। दोस्तों इसके लिए भी बोर्ड ने ऑप्शन बी और ऑप्शन डी दोनों के लिए ही सही माना है, अतः इस प्रकार से ऑप्शन बी संवैधानिक अधिकार, ऑप्शन डी कानूनी अधिकार, ये दोनों जो हैं वो संपत्ति का अधिकार जो है वो संवैधानिक अधिकार कानूनी अधिकार दोनों के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर 18, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। आंसर बी राष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 19,
2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से किसमें महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है? दोस्तों ये प्रश्न नंबर 19 ए सीरीज की बुकलेट का क्वेश्चन नंबर 19, ये बोर्ड ने इसे निरस्त कर दिया है, इसका कोई भी आंसर नहीं दिया है और इस क्वेश्चन को निरस्त कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित राज्यों में कौन पवन ऊर्जा के उत्पादन में देश में अधिकतम योगदान करता है? आंसर डी, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित राज्यों में किसमें वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल पाया जाता है? आंसर सी, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 22, सिंधु की निम्नलिखित सहायक नदियों में कौन पाकिस्तान से होकर बहती है, पाकिस्तान से होकर नहीं बहती है? आंसर बी, ब्यास। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित राज्यों में कौन भारत में लौह अयस्क का बृहत्तम उत्पादक है? आंसर ए, ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित नगरों में कौन गंगा के दाएं तट पर स्थित नहीं है? आंसर सी, वाराणसी। क्वेश्चन नंबर 25, वेदों की ओर वापस लौटो नारा किसने दिया था? आंसर डी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। क्वेश्चन 26, गदर पार्टी के संस्थापक का नाम बताइए? आंसर ए, लाला हरदयाल। क्वेश्चन 27, निम्नलिखित विद्रोह में कौन सिदो और कान्हों से संबंधित था? आंसर बी, संथाल विद्रोह। क्वेश्चन नंबर 28, भारत की संसद में शामिल है? इसका आंसर डी सही है, उपर्युक्त सभी। भारतीय संसद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये तीनों जो हैं वो सम्मिलित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? आंसर सी, अनुच्छेद 66। क्वेश्चन नंबर 30, लोकसभा में राज्यों से निर्वाचित सदस्यों की संख्या है? आंसर डी, 530। अब इस प्रश्नपत्र का पार्ट सेकंड। क्वेश्चन नंबर 31, मैच लिस्ट 1 बी लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। द लाइंस आर फ्रॉम वेरियस एक्सपीरियन प्लेस। इसमें दोस्तों इसका जो सही आंसर है कोड के हिसाब से वो बी है, 31 का बी। अब आप देख लीजिए मैचिंग, जो ए वाला ऑप्शन है आपका टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। ये लाइन 4 से मैच खाती है, हैमलेट से है। बी, द ल्यूनोटिक, द लवर एंड द पोएट, ये लिस्ट सेकंड में 3 पॉइंट से मैच खाती है, एमिर समन आ स्ट्रीम। लिस्ट ए सी, एज फ्लाइज टू वॉन्टन बॉयज आर बी टू द गॉड्स दे किल अस फॉर देयर स्पोर्ट्स, ये लिस्ट सेकंड में किंग लियर 2। लिस्ट 1 डी ऑप्शन, येट आई डू फियर दाई नेचर, इट इज टू फुल ऑफ द मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस, ये जो डी ऑप्शन है वो लिस्ट सेकंड के ऑप्शन 1 से मैकबेथ से मैच करता है। क्वेश्चन नंबर 32, हु इज द म्यूज ऑफ एपिक पोएट्री? आंसर ए, कैलियो। 33, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ड्राइव्स हिज थ्योरी ऑफ लाइफ फोर्स फ्रॉम ऑप्शन ए, चार्ल्स डार्विन। क्वेश्चन नंबर 34, फ्रॉम वेयर हैव द फॉलोइंग लाइंस बीन टेकन? आई इमेजिन दिस मिडनाइट मोमेंट्स फ्रेस्ट, समथिंग एल्स इज अलाइव बिसाइड द क्लॉक्स लोनलीनेस एंड दिस ब्लैंक स्पेस वेयर माई फिंगर्स मूव। ऑप्शन ए, टेड ह्यूक्स, द थॉट फॉक्स। 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लोसेस्ट ड्रामा? ऑप्शन सी, शेक्सपियर्स किंग लियर। क्वेश्चन 36, द स्टेटमेंट दैट द मेटाफिजिकल पोएट्स इन देयर पोएम्स प्रेजेंटेड हेट्रोजीनियस आइडियाज योग्ड बाई वायलेंस टुगेदर वॉज मेड बाई, आंसर बी, डॉक्टर जॉनसन। 37, पिक आउट द इनकोरेक्ट ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन सी, विलियम वॉर्ड्सवर्थ 1789 to 1850। क्वेश्चन नंबर 38, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैनर्स डज डीएस लॉरेंस नॉवल सन्स एंड लवर्स एंड? ऑप्शन ए, मिसेस मॉरेल डाइज ऑफ कैंसर। क्वेश्चन नंबर 39, इन फिलिप डार्किन्स पोएम द विट्स एंड वेडिंग्स
Whitsun is a festival that comes after Christmas on the. दोस्तों ये जो 39 नंबर क्वेश्चन है इसे बोर्ड ने निरस्त माना है और निरस्त कर दिया है, इसलिए इसका कोई भी आंसर कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है. क्वेश्चन नंबर 40, हु ब्राउट आउट द फीमेल स्पेक्टेटर एज अ रिस्पॉन्स टू एडिसन्स एंड स्टील्स पीरियडिकल्स. ऑप्शन ए एलिजा हेवुड. क्वेश्चन नंबर 41, विच कैरेक्टर इन लिटरेचर इज एसोसिएटेड विद हिलेरियस लिंग्विस्टिक ब्लंडर्स एंड वर्ड प्ले. ऑप्शन बी मिसेस मैलाप्रोप. क्वेश्चन 42, हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ रेनेसेंस थियोलॉजियन. ऑप्शन डी विलियम कैक्सटन. क्वेश्चन 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पिकोरेस्क नैरेटिव. ऑप्शन डी ओलिवर गोल्डस्मिथ्स द विकार ऑफ वेकफील्ड. क्वेश्चन 44, द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाइट मैंस बर्डन वॉज इन्वॉल्व बाय. ऑप्शन ए रुडयार्ड किपलिंग. 45, द टर्म लाइंग वॉज फर्स्ट यूज बाय. आंसर ऑप्शन सी सॉसरेर. क्वेश्चन 46, अकॉर्डिंग टू ब्लैंक स्पेस आर्ट इज टू इज मूव्ड फ्रॉम रियालिटी. आंसर ऑप्शन ए प्लेटो. 47, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लॉन्जाइनस द सबलाइम इज नॉट ट्रू. ऑप्शन बी इट हैज बीन रिटेन इन द 4th सेंचुरी एडी. क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब्स द टर्म वुमनिज्म. आंसर ऑप्शन बी वुमनिज्म इज टू फेमिनिस्ट एज पर्पल इज टू लेवेंडर. क्वेश्चन 49, हु रोट द फॉलोइंग लाइन्स द ग्रेट contention of criticism is to find the faults of the modern and the beauties of the ancients. Answer option B Samuel Johnson. Question number 50, willing suspension of disbelief is a term coined by. Answer option C Samuel Taylor Coleridge. Question 51, which of the following according to Aristotle is the soul of tragedy. Answer option B plot. Question 52, post-colonial criticism considers issues of. Answer option B inappropriate silences about colonized people. Question 53, which of the following terms refers to a surprise development in the action. Answer option A peripatia. Question 54, who of the following makes a distinction between the text of pleasure and the text of bliss. Answer option C Roland Barthes. Question 55, who is Dryden's mouthpiece for his views about drama in Of Dramatic Poesy. Answer option A Neander. Question 56, the first anthropologist to see the potential of Saussure's analysis of language was. Answer option C Levi-Strauss. Question 57, who said delight is the chief if not only end of poesy. Answer option A Dryden. Question 58, who of the following is associated with the Yale School of Deconstruction. Answer option A Paul D. Mann. Question 59, identify the American critic who deconstructs identity categories. Answer option B and C both. Question 60, which of the following is not one of the influences on Emerson's thinking. Answer option B pragmatism. Question 61, who of the following was not a transcendentalist. Answer option C Mark Twain. Question number 62, Mending Wall by Robert Frost was first published in. Answer option A North of Boston. Question 63, examine the following statements and identify the one which is not true. Answer option C The Old Man and the Sea is the first novel by Hemingway. Question 64, which of the following is not true of Hawthorne's The Scarlet Letter. Answer option D By punishing Hester with the Scarlet Letter, the Puritan community is promising redemption at her death.
Question 65. How many sections are there in Walt Whitman's poem A Passage to India? Answer. Option C. 9. Question 66. The subtitle of O'Neill's play The Hairy Ape is? Answer. Option C. A comedy of ancient and modern life. Question 67. In Emily Dickinson's poem I Never Lost As Much But Twice, how many losses has the persona suffered? Answer. Option B. 3. Question 68. What type of poem is Whitman's When Lilacs Last? Answer. Option A. An elegy. Question 69. Who is nicknamed Blue Roses in the play Glass Menagerie? Answer. Option B. Leora. Question 70. In Keki and Daruvala's poem The Ghagra in Spate, who floats over the rooftop? Answer. Option C. A. Buffalo. Question 71. In A.K. Ramanujan's poem A River, the river which floats through Madurai is? Answer. Option C. Vaikai. Question 72. The persona in Kamala Das's poem My Grandmother's House wants to bring from her grandmother's house? Answer. Option B. An armful of darkness. Question 73. Beneath it we have played, through dirt or cozener tree. In the above line, the pronoun we stands for? Answer. Option D. The poet, her sister, and her brother. Question 74. How many similes have been used in Sarojini Naidu's The Palanquin Bearers? Answer. Option B. 8. Question number 75. The first gift given by Raju to Rosie in the novel The Guide was a? Answer. Option C. Silver brooch. Question 76. What symbolizes the supreme symbol of essence and effluence of God in Savitri Canto First? Answer. Option B. Light. Question number 77. Which novel of Anita Desai is considered to be an epic on Calcutta? Answer. Option B. Voices in the City. Question 78. Aurobindo's Savitri, a legend and symbol, is an epic poem in? Answer. Option C. Blank verse. Question number 79. What are the stylistic similarities of Mulkaraj Anand's The Untouchable to high modernist works? Answer. Option B. Stream of consciousness technique. Question 80. The story of Kanthapura is narrated in flashback by? Answer. Option D. Achakka. Question number 81. Who is quoted in the epigraph of Shashi Deshpande's The Long Silence? Answer. Option A. Elizabeth Robbins. Question number 82. Kamala Das's An Introduction is a strong indictment against? Option C. Patriarchal Society. Question 83. Identify the correct order of appearance of the poem in Nizam Ezekiel's The Collected Poems. Answer. Option A. A Time of Change, Enterprise, Poet, Lover, and Word Watcher, Background Casually. Question 84. Which novel of Anita Desai in the following line does not end on a tragic note? Answer. Option C. Where Shall We Go This Summer? 85. Language is a symbol system based on? Answer. Option C. Pure or arbitrary conventions. Question 86. The phonetic transcription of the word realm is? Answer. Option B. Realm. Question 87. The sentence pattern of He is now here in my room is? Answer. Option A. SVCAA. Question 88. Literary stylistics is the study of? Answer. Question B. Answer. Option B. Variation in language. Question 89. Language behaves is known as? Language behavior is known as? Answer. Option A. Parole. Question 90. In linguistics, the diachronic approach is? Answer. Option C. Historical. Question 91.
morphology deals with world of answer option B, world structure. Question 92, what is the technical term for the tum-tatum rhythm of English? Answer option D, stress time. Question 93, the noun phrase a brightly and beautifully shining moon replacing the pre-modifier by the semantically equivalent post-modifier can be restructured as answer option C, a moon shining brightly and beautifully. Question 94, what is the term used to describe the creative capacity of language to invent new words and sentences? Answer option D, productivity. Question 95, what kinds of sounds are produced when the vocal cords vibrate while the aggressive air stream passes through larynx? Answer option C, voiced. Question 96, in which of the following plays does Shakespeare adhere to the three unities? Answer option C, The Tempest. Question 97, who says, let not the royal bed of Denmark be a conch for luxury and damned incest? Answer option B, Ghost. Question 98, the first edition of the Paradise Lost consists of? Answer option C, 10 books. Question 99, the Freytag Pyramids analysis the structure of A? Answer option D, 5-act play. Question 100, which one of the following statement is incorrect? Answer option D, deconstruction shows that all texts are meaningless. दोस्तों, यदि आपको इस पेपर से कुछ जानकारी मिली हो तो आप इस चैनल के लिए जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें. थैंक यू वेरी मच.